वेलकम दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था, एयर कंडीशनर है, उसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलते रहता है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं कि आपको 25, 26, 30 तक करते हैं, फिर भी कंप्रेसर जो है बंद नहीं होता है, और इस तरह से क्या रीजन हो सकता रहेगा, क्यों हमारा कंटिन्यू चलते रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा उठता है, कई बार प्रॉब्लम आता है इस तरह से, एसी जो है हमारा स्टार्ट ही नहीं होता है, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होता है, रिमोट से टेम्परेचर हम 18, 20, 18, 16 डिग्री तक हम टेम्परेचर पूरा डाउन कर देते हैं, फिर भी गर्म हवा देता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, कंप्रेसर तक पावर ही नहीं जाता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। एक दो को दो का दोनों जो रीजन है प्रॉब्लम है, एक ही सोल्यूशन हो सकता है। कुछ अगर हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है या स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, हमें क्या क्या चीज चेक करना चाहिए, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते रहेंगे हमारा पीसीबी का प्रॉब्लम है या सेंसर का प्रॉब्लम है या फिर आउटडोर का रिले का प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉब्लम है। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हिमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी, बट हम जो ज्यादातर भी ये वीडियो में स्प्लिट एसी का टॉपिक लिए हैं, स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे। ये जो है कॉमन फॉल्ट है, बहुत सी एसी में इस तरह से प्रॉब्लम आता है, देखने को मिलता है। एसी जो हमारा स्टार्ट हो जाता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलने लगता है, और टाइम में अगर कंटिन्यू चल रहा है तो हमारे सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या ये हम समझेंगे। एसी इंडोर में पावर तो आ रहा है, एसी इंडोर में पावर आ रहा है, सिर्फ उसमें से आउट नहीं हो रहा है, यानी कि कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, तो टाइम में क्या हो सकता रहेगा, जो रिले रहता है या फिर सेंसर हो सकता रहेगा या फिर कॉन्ट्रेक्टर खराब हो सकता रहेगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक चीज प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो कैसे प्रॉब्लम हो सकता रहेगा ये हम जानेंगे। फर्स्ट हमें चेक करेंगे सेंसर, अगर सेंसर प्रॉब्लम रहेगा तो टाइम में आप क्या कर सकते रहेंगे, एसी को बंद करेंगे, चालू करेंगे, वो टाइम में क्या होगा, तुरंत कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, तो टाइम लग सकता रहेगा, वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। रिमोट से अगर आप बंद कर रहे हैं, तो अगर रिमोट से बंद करने पे बंद हो जा रहा है तो टाइम में समझ सकते रहेंगे सेंसर जो रहता है सेंसर का प्रॉब्लम है। अगर हमारा रिमोट से बंद करने पे इंडोर बंद होता है, आउटडोर नहीं बंद होता है, वो टाइम समझ सकते रहेंगे उसमें जो रिले रहता है पीसीबी से पावर सप्लाई जो करता है आउटडोर में, सीपी पावर जो छोड़ता है, वो रिले शॉर्ट हो चुका है, उसके अंदर जो एनओ एनसी रहता है, जैसा कि हम जानते हैं फेस इन होता है और एक फेस आउट होता है, जो उसमें नॉर्मली हमारा एनओ रहता है, जैसे सीपी पावर उसमें जाता है, कॉइल की डिमांड जाता है, टेम्परेचर हम डाउन करते हैं, ये एनसी हो जाता है। कई बार होता क्या है, रिले जो रहता है शॉर्ट हो जाता है, जल जाता है, शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, जो एनओ रहता है एनसी कंटिन्यू रहता है, हो जाता है, वहां से पावर जो है कंटिन्यू आउटडोर में जाएगा, जिससे कंप्रेसर हमारा चलते रहेगा, बंद नहीं होगा टेम्परेचर आने के बाद भी या टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप आसानी से कंफर्म कर सकते रहेंगे, फर्स्ट आप रिले चेक करेंगे, उसे चेक करने के लिए हमारे इंडोर में पीसीबी रिले का प्रॉब्लम है या आउटडोर का है, आप कवर खोल सकते रहेंगे, कवर से जो टर्मिनल रहता है पीसीबी से रहता है वहां से सीपी पावर वायर जो निकाल दीजिए, या फिर आउटडोर पे जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर रहता है उसका वायर निकाल दिए, निकाल करके आप चालू करिए, फिर देखिए आइडेंट करिए सीपी पावर डायरेक्ट हो रहा है या कॉन्ट्रेक्टर आउटडोर में लगा हुआ है वहां से डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत से एसी में आउटडोर में कॉन्ट्रेक्टर रिले लगा रहता है। तो अगर इंडोर में अगर हमारा सीपी एनओ एनसी हो गया शॉर्ट हो गया है तो डायरेक्ट पावर जाएगा, अगर हमारा आउटडोर में कॉन्ट्रेक्टर शॉर्ट हो चुका है, कई बार होता है प्रॉब्लम कॉन्ट्रेक्टर जो रहता है उसमें 2 पोल या 3 पोल रहता है वो भी खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्वाइल जो शॉर्ट हो जाता है जिसके वजह से प्लंजर कंटिन्यू जो है स्टक हो जाता है, स्टक हो जाएगा तो पावर कंटिन्यू जाएगा, जिससे कंप्रेसर आपका पीसीबी से जो है रिले ऑफ तो करेगा बट आउटडोर में पावर जो रहता है कंटिन्यू होल्ड रहेगा, कंटिन्यू जाता रहेगा। तो आउटडोर में इस तरह चेक कर सकते रहेंगे, उसका क्वाइल फेस हमारा निकाल करके क्वाइल का पावर रहता है सीपी पावर उसे निकाल करके चेक करेंगे, चालू कर देखिए कंटिन्यू जा रहा है, अगर कंटिन्यू जा रहा है तो कॉन्ट्रेक्टर स्टक हो गया है, खराब है, उसे चेंज करने की जरूरत है। या फिर अगर हमारा कंटिन्यू सीपी पावर इनडोर से ही पावर छोड़ रहा है तो
तो पीसीबी का रिले रहता है ये खराब हो सकता रहेगा। तो इस तरह से वन बाई वन आप चेक कर सकते रहेंगे आपका पीसीबी खराब है या सेंसर खराब है। उसी तरह से ये हो गया हमारा एसी कंटिन्यू वर्क कर रहा है किस तरह से प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है एसी हमारा स्टार्ट ही नहीं होता है, रिमोट पे हम टेम्परेचर पूरा डाउन कर दिए हैं फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो टाइम ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। हमारा रूम सेंसर, फर्स्ट रूम सेंसर हम चेक करेंगे, रूम का सेंसर अगर खराब रहेगा तो टाइम में टेम्परेचर हमारा मेंटेन नहीं कराता है, टेम्परेचर सेंस नहीं करता है, रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना भी हम कर लें सेंस नहीं करता है, ये डिमांड हमारा पीसीबी को नहीं देता है जिसे बंद नहीं होता है। यहाँ से कंटिन्यू डिमांड देगा क्वाइल को, जो हमारा इंडोर का पीसीबी में जो रिले रहता है उसमें कंटिन्यू पावर जाएगा और वो ऑन होता रहेगा। तो इसे सेंसर को निकाल करके इसे चेक कर सकते रहेंगे मीटर की मदद से, कंटिन्यूटी मीटर की रेजिस्टेंस चेक कर सकते रहेंगे क्या, इसे आप निकाल कर चेक करेंगे तो इसका सेंसर जो है जो रेजिस्टेंस रहता है अगर इसे आप ठंडा कर रहे हैं तो बढ़ेगा, अगर गर्म कर रहे हैं तो घटेगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है कम ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर के हिसाब से। उसे आप बंद के हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ में पकड़ेंगे उसका रेजिस्टेंस जो है गर्म होगा रेजिस्टेंस का बढ़ेगा, छोड़ेंगे घटेगा, यानी इस तरह से टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस है कम ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी ही नहीं शो कर रहा है, रेजिस्टेंस ही नहीं शो कर रहा है तो खराब माना जाएगा, या फिर तरह से टेम्परेचर अप डाउन नहीं हो रहा है तभी भी ये सेंसर खराब माना जाएगा। तो कंडीशन में सेंसर आप इसे चेंज कर सकते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपने चेंज कर लिया है फिर भी आपका ऑन नहीं हो रहा है तो सेम प्रॉब्लम प्रोसेस हम करेंगे फॉलो। जो रिले रहता है, रिले कई बार आता है ये इसका एनओएनसी जो रहता है ये खराब हो जाता है, खराब रहेगा तो क्या होगा यहाँ से पावर ही हमारा आउट नहीं करेगा, यहाँ से क्वाइल रहता है खराब हो जाएगा पावर आउट नहीं करेगा। तो अगर पीसीबी से खोल करके चेक करें यहाँ से पीसीबी से आउट नहीं कर रहा है तो टाइम में आप रिले जो रहता है पीसीबी से निकाल करके मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है, सिर्फ आपको सोल्डिंग करना चाहिए आना चाहिए, सोल्डिंग मशीन आयरन है उसकी वजह से इसे रिले को निकाल करके आसानी से रिप्लेस कर सकते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते रहेंगे। यहाँ से आपने चेक कर लिया, अगर यहाँ से अगर पावर नहीं जा रहा है तो रिले चेक करेंगे, अगर यहाँ से पावर जा रहा है आउटडोर में जब तक नहीं जा रहा है तो कम्युनिकेशन वायर जो रहता है कई बार ये शॉर्ट हो जाता है खराब हो जाता है तो कम्युनिकेशन वायर हम चेक करेंगे, इनडोर से जो आउटडोर जो वायर रहता है सीपी पावर कंप्रेसर तक पावर जाता है ये वायर कई बार खराब हो जाता है डैमेज जाता है, इसे कंटिन्यू चेक करके उसे अगर सही शो कर रहा है कंप्रेसर तक आउटडोर तक पावर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है इसे चेंज करने की जरूरत रहेगा। यहाँ से हमारा आउटडोर तक पावर आ गया है फिर भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो टाइम में हमारा कॉन्ट्रेक्टर रहता है वो चेक करेंगे कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टर का क्वाइल तक पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर पावर जा रहा है तो आपका कंप्रेसर ऑन होगा, नहीं जा रहा है तो नहीं होगा तो टाइम में फिर से चेक करेंगे पावर। यहाँ तक हमारा पावर आ गया है, कॉन्ट्रेक्टर आपका होल्ड हो रहा है, सीपी पावर तक आ गया, सीपी पावर जो इनडोर से पावर आउटडोर तक आ गया है फिर भी कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो टाइम आप चेक कर सकते रहेंगे, कंप्रेसर का जो कैपेसिटर लगा रहता है वो खराब हो सकता रहेगा या फिर कॉन्ट्रेक्टर से जो कंप्रेसर टर्मिनल तक जो पावर जाता है वहां से वो कुछ खराब भी हो सकता रहेगा पावर, जिसकी वजह से पावर कंप्रेसर तक नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो टाइम भी कंप्रेसर का कंटिन्यूटी चेक कर सकते रहेंगे, कंप्रेसर का कंटिन्यूटी जो रहेगा अगर खराब है वायरिंग खराब रहेगा तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है। अगर आपका कंप्रेसर में पावर जा रहा है स्टार्ट होकर के बंद हो जा रहा है हाई एम्पियर ले रहा है तो टाइम में आपका कैपेसिटर खराब हो सकता है, कैपेसिटर चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक ये जो चीज हमने बताए हैं कॉमन फॉल्ट होता है, ये चीज हमें हर सभी टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए वन बाय वन सेटअप क्या क्या प्रोसेस हो सकता रहेगा, क्या क्या स्टेप लेकर के हम प्रॉब्लम तक पहुंच सकते रहेंगे, प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते रहेंगे। ये जो प्रोसेस बताया है सभी एसी पे सिस्टम लागू होता है, इस तरह से चेक करेंगे। अगर इन्वर्टर एसी आता है तो उसमें थोड़ा सा पीसीबी रहता है आउटडोर में तो एडवांस फीचर रहता है, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, नेक्स्ट टाइम में जानेंगे, किसी फ्रेंड हमसे पूछेगा तो। आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, ये वीडियो का फीडबैक दीजिए कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे क्या चीज के बारे में और जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते रहेंगे, जिससे इस तरह से थुनकली से लेकर पेडागॉजी तक वीडियो बनाए आपके पास भेज सके, आप भी सीख सके दे सके जा सके। ये वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, जो लोग कोर्सेस कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं खासकर नए टेक्नीशियन है वो लोग भी जा सके देख सके सीख सके समझ सके।
ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। अगर आप ऑनलाइन कोई सा भी टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत से स्पेयर पार्ट का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा आप ले सकते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।